राम राम जी, नए व्लॉग में स्वागत आपका। और वही इतना प्यार देने लग रहे हैं आप, आपका धन्यवाद। क्योंकि वही मन तो क्या है, कई बार जाना पड़े है ग्राउंड मीडिया के लिए। तो रितु जी और घर वाले हैं जो मम्मी पापा भाई हैं, वही ज्यादातर व्लॉग बनाते हैं अभी। और आप सबका प्यार कमेंट जो मैं सभी हैं श्याम नाने के बाद से भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। और देखिएगा नया व्लॉग हमारा। फिर पहले दूध काट लियो ना जल्दी, झड़ा लग गया। फिर मैं चूल्हे में आग बालू हूँ, खवानी खोआनी काट देंगे। कह दे तो अपन, मेरे पापा तो सो लाग रहे हैं। फिर चार छूट लाओगा वही काट देगा। फिर आप कह दो, मैं देख बाट देखे चाट की। अच्छा गोबर गिर कहो पहले, फिर मैं इतना आग बाल लू है। वो सुबह का दूध उधर लू इतने, है ना। हाँ ये लकड़ियां मोटी मोटी, इनने तो बालेंगे आग। हाँ जड्डा उतर जाएगा चूल्हे आग। तो भी मामने मिल गया है कुआड़िया, मेरा देवर पड़ेगा लकड़ी। आस्ता जा जा लकड़ी पाड़ दे, या लकड़ी पड़ी मारी या मोटी है घनी, है ना मम्मी। के मम्मी ये पाड़ेंगे हम लकड़ी, फिर बालेंगे चूल्हे में आग। जड्डा हो रहा है घना, धुंध की पड़न लागी, है ना मम्मी। और दूर जाका हसे है से। आजा वीडियो बंद करू, मैं कुआड़िया फाड़ दे नौ लकड़ी फाड़ दे। मैं भी उल्टी उल्टी बोलने लगी चाडे में। आज फाड़ेंगे लकड़ी पाड़न का भी, तभी पाड़ेंगे हम लकड़ी चूल्हे खातर। मेरे पापा सो लाग रहा ना, मेरे पापा ही पाड़ के दिया करता। आज हम की नींद खराब नहीं करते। अच्छा डर का डांग दी, नींद खराब हो गई। आज बाल नहीं पड़ेगी। क्यों कह रही माँ? आज आज पापा रुक उठा दे। पापा उठा लियो, आप लाग रहे ठाणे। आज तोरी तू वीडियो बना, आज तोरी देख वीडियो देखा सब। टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा लाग रहा। टीवी कर दे एक बार बंद, मंदी आवाज कर दे कती। पापा पापा देखो मेरी माँ के राजी होकर ठाल लाग रही है। पापा देखो के काट रही हूँ पानी का बखोरा। ये कर दिया मम्मी है। और फिर नो ना कही है, मैंने खोरा जुलूस काट दिया। हाँ काट दिए, आम नहीं काटा कर दे। बड़का की त्रिया बैठिया कर दे मम्मी, बड़का की त्रिया बैठिया कर दे। अक्षय अक्षय तो बाज गया, अक्षय एंटर नहीं लगता। माँ वाल निकलन की होगी है तैयारी। अरे बालेंगे हम चूल्हे में आग, पहले तो हम अंगीठी में आग बाले हैं, क्योंकि शाम का मौसम, शाम का टाइम हो गया, मौसम हो गया है खराब। जाडा हो रहा घना, रारिये जी आएंगे काम पर, तय जा रहे हैं काम पे। और वो आके हाथ पैर धोवेंगे गर्म गर्म पानी में, उनकी आरती उतर जाएगी। तो अंगीठी बाल दी हमने आग के मम्मी। हाँ पाड़ ली लकड़ी, तो मरी अंगीठी में बल गई है आग। यार देखो अक्षय चल पड़ा लासी का डेगचा ठाक है। तो अंगीठी में बल रही है हमारी आग, गरीब बालेंगे हम चूल्हे में। चूल्हे में बल गई है हमारी आग बिल्कुल तेज। गरीब रखेंगे इस पर हम चूल्हे पे रखेंगे, अब हम कढ़ाई रख दिया चूल्हे पे। अब डालेंगे हम इसमें, ये देख लो हमारा दूध। अरीब डालेंगे हम कढ़ाई में दूध, कढ़ाई हो ली है गर्म बिल्कुल। ये सुबह का दूध है, रीब का निकाल लेंगे पापा और नहीं निकाल लेंगे। तो डाल दिया दूध, देखो दूध में कितनी मलाई है सुबह की, बिल्कुल नकड़ू दूध था बिना पानी का। अक्षय जी तो चढ़ा दिया हमने खोआ, और आग भी बिल्कुल तेज बढ़ रही है चूल्हे में। जल्दी जल्दी हो जाओगा,
रिब्बा तो देख लो हमारा थोड़ा ही दूध है, क्योंकि यो आधा दूध है, आधा तो रिब्बा पापा जी और मम्मी निकाल लाग रही है, सुबह का दूध था। और भाई जिस दिन भी दुआ सर मोस आवे है हमारी मौज हो जाओ बिल्कुल, किसी ने खाना पसंद है, किसी ने बनाना पसंद है, भाई मैंने बनाना पसंद है। तो जब भी मौसर दुआ सावे कदे हम गाजर फाक निकाल ले, आज हमने गाजर नहीं ली ना, गाजर फाक निकालना, और क्योंकि सर्दियों का मौसम है ज्यादातर गाजर फाक के चल रहे हैं, खोआ तो कदे भी निकाल सके हैं, तो आज हम खोआ ही निकाल लेंगे, आज गाजर नहीं ली। अरे शाम ने लिया और तो ज्यादा लेट हो गए थे, कसनी पड़ा और हमने बखते आज खोआ चढ़ा दिया है, क्योंकि रात ने ना फिर अंधेरा हो जावे है बिल्कुल, और वारी तो यो बना है कम से कम 3-4 घंटे में निकलेगा खोआ, तो इब्बा तो आधा दूध भी कौन निकलिया है, इब्बा तो आधा ही दूध है, आधी कढ़ाई यो थोड़ा बहुत जलेगा ना, इतना थोड़ा कम होगा, इतना एक बाल्टी का दूध और आ जाएगा, क्योंकि हमारे 2 मैस हैं और 2 मैसा का दूध पिया भी कौन जाता इतना, तो हम निकाल ले हैं खोआ या फिर आज बनाओगे हम बर्फी और कलरफुल बर्फी बनाओगे आज हम 3 तरह की। आज मम्मी ने मैं कह रही थी कि मम्मी आज ना बर्फी बनाऊंगी और 2-3 कलरा की, तो मम्मी कह रही थी कि कलरा की क्यूकर बनाऊंगी जिसका सिंपल मोवा है ना, तो वो ही बतेरा मखाना कुछ अलग डिश बनाओगे आज, तो आज बनाओगे हम मोए की बर्फी कलरफुल। हमारा खोआ बन को होगा है तैयार, बिल्कुल बन गया खोआ है ना मम्मी, बन गया और आज मेरी मम्मी लाग रही है खोआ बनाने, मखाना बनाऊं थी इतने और वारे होगी है ना मम्मी, रात होगी कती बनाने में, आधी रात हो जा है, 8 बजे आधी रात लाग गई, तो 5 बजे तो अंधेरा और लाग जा है, वो भी आने हो रही हैं, आज लेट हो रही हैं वो, ज्यादा दूर जा रही थी ना, तो ये हो गया हमारा खोआ बनकर, हमारा खोआ जो है वो हो गया है तैयार, अरे जमाऊंगे हम बर्फी, पहले मैंने ले लिया थोड़ा सा घी ताकि थाली में चिपके नहीं है बर्फी आसानी से, जो वो बढ़िया बर्फी कटे, तो ले लिया हमने घी, घी में ला लेंगे मसारा के थाली में अच्छे से, अरे बनाओगे भाई हम कलरफुल बर्फी, आप तो पहले भी बताई थी कि हम बनाओगे कलरफुल आज बर्फी 3 तरह की, तो घी लगा दिया है पूरी थाली में, तो मैंने लिए हैं ये फूड कलर है, ये ग्रीन है, ये रेड है फूड कलर, तो इब हम बनाओगे बर्फी, तो भाई मावे में मैंने जो ग्रीन फूड कलर था वो मिला दिया है और यो जम गया है बिल्कुल, और अब हम इसमें डालेंगे दूसरा फूड कलर का जो मावा है वो रखेंगे इसके ऊपर, तो भाई हमने जो बिना कलर का मावा था वो इसके ऊपर लगा दिया है बिल्कुल, अच्छे से जमाएंगे इसने, और फिर इसके ऊपर एक और लेयर आएगी मावे की जिसमें रेड फूड कलर डालेंगे, और ये 3 तरह के फूड कलर की बर्फी हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से तैयार। अभी जो रेड हमारे पास फूड कलर था वो हमने डाल दिया है मावे में, अरीबी मान इनाम जमा देंगे, और फिर जब जम जाएगा फ्रिज में रखने के बाद फिर काटेंगे हम इसकी बर्फी, तो फिर देखियो इसकी बर्फी 3 कलर की बर्फी है, जो जैसे हम हलवाई का तो मिठाई ले कर आवें बिल्कुल वैसी लागेंगी, हर घर का मावा है शुद्ध देसी ना कोई मिलावट, अरे मारा मावा जो है वो हो गया है प्रॉपर तैयार, और फ्रिज में जमने के बाद काटेंगे हम इसकी बर्फी, तो भी मावे में गेर दिए हैं मैंने बादाम, अरीब जावे है हमारा जमन खातर, इन्हें फ्रिज में रख देंगे और सुबह तो ये बिल्कुल जम जाएगा, क्योंकि तो घनी लेट हो गए हैं, रात होगी खुल जाने, हमारा गेट है यो थोड़ा धक्का मार कर खोलना पड़ा है, अटक जावे यो बीच में, फिर फ्रिज में जमान खातर रख देंगे और फिर सुबह देखेंगे कि बर्फी काट का, क्योंकि ये घनी रात हो गई है और यो ठंड होकर जम जाएगा पूरी रात, तो फिर हो जाएगी हमारी बर्फी तैयार। हमारा जो मोवा था वो देख लो भाई जम के बिल्कुल तैयार हो गया है, फ्रिज में रखा था कल शाम ने, वार हो गई थी घनी
तो कल शाम ने निकला था अरीब, सुबह सुबह यो बनकर तैयार हो गया है। अरीब काटेंगे इसकी बर्फी, तो दिखाऊंगी अपने बर्फी। और मेरी मम्मी काटने लग रही है सेब। मम्मी राम राम कर दो सुबह राम राम की। सुबह की राम राम। मेरी मम्मी काटे सेब, अरीब काटेंगे हम बर्फी। देख तो ये कट गया हमारी बर्फी। अरे पामी ने दिखाऊंगे कि हमारी बर्फी है जो वो कैसी बनी है। निकल जाओ ने। ये देखो मैं, हमारी जो बर्फी थी वो बनकर हो गई है तैयार और बिल्कुल जम गई है और बिल्कुल सॉफ्ट है। देखो कलरफुल बर्फी बनाई है इबका हमने। ये तो वो होगी जैसे तिरंगा होता ना, केसरिया सफेद हरा, ये तो वैसी बर्फी बन गई। हमारे पास कलर यही था। हाँ चलो भाई रितु ने देखो ये बना दी बर्फी और तीन रंग लगा दिए इसमें, तिरंगा झंडे की डाल हुआ। आज ही हमारे पास यही रंग थे, तो पहले तो मेरा नहीं था कि वो बिल्कुल कौन वैसा से बन रंग रंग है, जाएगा। मैं तो नहीं गिर दिया, मैं रंगोली बनाई थी। रंगोली के रंग पढ़ा करें। और कौन से गेरे है? ये फूड कलर था जो अच्छा फिर तो हलवाई ठीक यूज है, करा मन्ना सोचा करे। कदे रंगोली और बनाई दो मिठाई के और रंग रंग नहीं बचा है, कदे वही गिर अगली बार ये दिया। जी खाकर दिखाऊंगे बिल्कुल सॉफ्ट है। हंगे बताओ छोड़ दिया है। हंगे हम उबाया मैंने, कैसी लगी? बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है। आ ना ना रुक जा, अच्छी थोड़ी देर में खाऊंगा, इबे दूध पिया और है। सेब खाई। हाँ बहुत बढ़िया जी, ठीक है ना। हाँ ठीक है। कितनी सॉफ्ट बर्फी है बिल्कुल देखो। मम्मी देखो बर्फी। खाकर तो देखो कैसी बनी है। फ्रिज की खुआ का मेरा पहले खासी जमा जा तू। इतनी ठंडी को नहीं, फिर ना जमान खातर तो फ्रिज में रखनी पड़ेगी। फ्रिज में तो लिया हूं लगम ने तो छीन लो। अच्छा फ्रिज का नाम में नाम हुआ है, चाहे नाम हो जुबी भी लगम तो कोई नहीं, बाद में खा लियो फिर। तो वे वीडियो आपने देख ली है, हमारी वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। थैंक यू।